नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। जय जोहार भारत माता की, भारत माता की। सभी माए बहन भाई बड़े बुजुर्ग सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करो ही हो। मानभूम के कोयला आंचल के इस गढ़ में आना और आप जनता जनार्दन के दर्शन करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं लुगुबुरु बाबा भैरवनाथ और लीलावरी माता को नमन करता हूं। झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। छोटा नागपुर का ये पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की ये पुकार, रोटी बेटी माटी की ये पुकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। और इसलिए उधर वो नौजवान एक तस्वीर लेके आया है, जरा उसके पीछे अपना अता पता लिख देना, ये मेरी टीम आपसे तस्वीर ले लेगी। आपने बड़े प्यार से स्केच किया लग रहा है मुझे। मैं आपका अता पता लिख दीजिए, जरूर चिट्ठी भेजूंगा। जरा वहां सिक्योरिटी के लोग वो तस्वीर लेके मेरे पास पहुंचा दीजिए। हाँ, भेज दीजिए उसको, ये हमारे जवान आ रहे हैं, उनको दे दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आप इतने प्यार से ये तस्वीर बना के लाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में
कांग्रेस की सरकार थी, मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। तब उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को, ये झारखंड वालों ने याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? जरा सबके सब बताइए, 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली, आप सबने दिल्ली में केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा कैसी होती है, बीते 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। कितना? जरा जोर दे बोलिए, कितना? उन्होंने कितना दिया था? हमने कितना दिया? ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा आपके प्रति 4 गुना प्यार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और हमने ये ज्यादा पैसा क्यों भेजा भाई? क्योंकि झारखंड हमने बनाया है तो हम ही तो संवारेंगे। भाजपा चाहती थी कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों गांवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज के लिए सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट लिया कि नहीं लूट लिया? लूटा कि नहीं लूटा? आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में
भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जनसैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है, किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं देते। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशन